नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज। आपके साथ मैं हूं नेहा। राजकीय मध्य विद्यालय रघुवर नगर लहरिया धर्मशाला में दशकों से पढ़ाई चल रही है। इस स्कूल में बगल की घनी आबादी के बच्चे पढ़ाई करते हैं। भवन निर्माण की कमी है जो भवन के ऊपर में बनाई जा सकती है। भवन निर्माण करने एवं भवन की मरम्मत करने के बजाय नगर विधायक के द्वारा विधानसभा में इस स्कूल का ही स्थानांतरण का प्रस्ताव का फरमान जारी करना निश्चित तौर पर नगर विधायक का बेगूसराय विधानसभा के शिक्षा के प्रति घोर लापरवाही है, जिसे हमारा संगठन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारा संगठन ऐलान करता है कि इस स्कूल के स्थानांतरण पर रोक नहीं लगाई गई तो हमारा संगठन उग्र आंदोलन करने को बाध्य होगा, जिसकी सारी जवाबदेही जिला प्रशासन और नगर विधायक की होगी। उक्त बातें राजकीय मध्य विद्यालय रघुवर नगर लहरिया धर्मशाला के समीप स्कूल स्थानांतरण के विरोध में ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के द्वारा किए जा रहे हैं। विरोध प्रदर्शन के दौरान और क्या कुछ हुआ, आइए देखते हैं। ये जो अभी स्कूल देख रहे हैं राजकीय मध्य विद्यालय, ये गाछी टोला स्थित है। आपको मैं सीधा तौर पर बता देना चाहता हूँ, नगर विधायक इसे मरम्मत करने के बजा ये कॉलेजियर शिफ्ट कर रहे हैं। हमें लगता है यहाँ नगर विधायक कुछ लेन देन के आधार पर इस कीमती जमीन को अभी के समय में कि कोई एक कट्ठा जमीन सरकारी दान नहीं दे रहा है और ये विधायक जो है वो तो हड़प रहे हैं। मैं सीधे तौर पर बेगूसराय DM और शिक्षा पदाधिकारी से मांग करता हूँ, जल्द से जल्द इस स्कूल पर एक्शन ले, स्कूल जहां है वहीं रहने दे, नहीं तो हमारा संगठन बर्दाश्त करने वाला नहीं है। आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार होगा, जब तक ये स्कूल जहां है वहीं नहीं रहेगा तब तक हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। आपका नाम? अमरेश कुमार, जिला अध्यक्ष AI। सर, मध्य विद्यालय रघुवर नगर में वर्षों से पढ़ाई हो रही है और यहाँ से बच्चे पढ़ते हैं, आगे क्या क्लास करते हैं।